फ्रेंड्स, दस्तर खाने वारसिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया। आज हमने आपके लिए बहुत ही आसान सी एक ऐसी डिश लाई है जो कि एक बनने में भी आसान और उसके सारी मैनेजमेंट भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप डाइट पर हैं तो ये खाना तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद है। और इसे ना कोई भिगाना है, ना कुछ इसके लिए इंतजाम करना है, बस इसे पीसो और बना लो और फौरन खा लो, चाहे नाश्ते में, चाहे खाने में, चाहे डिनर पे। बहुत 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 मज़ेदार बनने वाला है। बहुत ही आसान सी ये डिश है। तो हमने आज बनाया है डोसा, डोसा कह लीजिए या चिला कह लीजिए। तो हमने ओट्स का डोसा बनाया है। इतना आसान और इतना टेस्टी, बिल्कुल अंडे की तरह। अंडा कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है और हमें खाने में बड़ा लजीज और मज़ा देता है, बिल्कुल इसी तरह से हमने ओट्स का डोसा बनाया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इसे अगर ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं इतना आसान सा बनने वाला ये डोसा हमने कैसे बना के बताया है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगी 2 बोल ओट्स। इसी में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर और इसी में डालेंगे 2 हरी मिर्चें, 2 अदरक के टुकड़े और 3 ब्रेड जो इसी में इस तरह से डाल देंगे। अब पानी इतना डालेंगे कि ये पिस जाए। तो अभी मैं 1 ग्लास डाल के पीसती हूँ। तो ये देखिए हमारा हो गया पीस के और ये हमारा बैटर इस तरह से तैयार हुआ है। इसमें मैंने 2 ग्लास पानी मिलाए हैं तो जाके इस तरह से ये तैयार हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं इनो डाल रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून है। और इसको एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, इसे खूब मिला लेंगे। अब ये जब तक एक्टिव होता है तब तक हम इसकी चटनी बना लेंगे, तब तक ये थोड़ा 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कड़ी पत्ते, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और इस बैटर में हम ये सबको मिलाएंगे। तो अब हमारा बैटर रेडी है। तो चलिए अब पहले हम इसको बनाने से पहले चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी के लिए मैं यहाँ पे इतना मैंने कोकोनट ले लिया है, इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। साथ में मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च जो तीखी नहीं है, थोड़ा सा धनिया, 1 लहसुन बहुत बड़ा है इसलिए, और इसी में डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शक्कर। बहुत अच्छा बैलेंस होता है इससे। और यहाँ पर मैंने भुनी हुई चने की दाल ले ली है। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस के देखती हूँ। तो चटनी यहाँ पर हमारी पीस के हो गई है और इस तरह से मैं इसे बोल में निकाल लूँगी। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तेल डाल के रखा हुआ है पैन में, जो कि गरम हो चुका है। इसी में मैं डालूंगी, यहाँ पर मैंने कुछ राई दाना लिया है, कुछ ज़ीरा, कुछ कड़ी पत्ते और 1 हरी मिर्च ली है। तो इसको मैं तड़का भी लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टीस्पून ऑयल में ये डाला हुआ है। तेल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम इसे डाइट में यूज़ कर रहे हैं, डाइट के हिसाब से खा रहे हैं, तो हमें ऑयल कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे
राई तड़कने लगी है तो बस हमारा तड़का रेडी है। यहाँ पे मिर्चें भी थोड़ी सी लाल हो गई हैं। इस तरह से सब तरफ हिला हिला के हम चारों तरफ घुमा देंगे और ये हमारा तड़का रेडी है। तो बस हमारी चटनी पे हम डाल देंगे। इस तरह से चटनी तैयार हो गई हमारी। तो यहाँ पर अब मैं ये तवा रख रही हूँ। तवा यहाँ पर ऑलरेडी मैंने गरम किया हुआ था, थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है इसके ऊपर ताकि वो चिकना हो सके और हमारा जो चिला है यानी डोसा है जो वो ज़्यादा चिपके नहीं। यहाँ पे बैटर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी। यहाँ पर मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो थोड़ा सा मैंने पानी मिलाया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ओट्स के डोसे में क्या हो जाता है कि ये बहुत इसमें लस होता है, तो बहुत ही अच्छा इसमें पानी मिक्स कर लेना ज़रूरी है। और इतने बैटर में मैंने 12 से 13 डोसे बनाए हैं और कम से कम 5 से 6 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। इतना नाश्ता यहाँ पर होने के लिए, तैयार होने के लिए मैंने यहाँ पर ये बैटर रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमने सबको देखिए अच्छे से मिला लिया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे कितनी अच्छी हुई है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा, देखिए रिबन की तरह गिर रहा है। अब ये एकदम परफेक्ट है और इसमें अनियन वगैरह का जूस भी आ चुका है, बहुत देर से हमने 10 मिनट पहले रख लिया था। तो अब मैं इस तरह से बैटर डालूंगी 1 स्पून और धीरे से इसको चलाएंगे क्योंकि इसमें लस बहुत है, तो स्पून के साथ लग कर ये चिपकने लगता है। तो आप आराम से करिए और ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए ये इतना अच्छा बनता है कि देखिए जालीदार हो गया है। मैंने ऑयल इस पर थोड़े से ड्रॉप डाल दिए हैं और ये आसानी से पलट जाता है। पलटने के बाद ये है कि हमें इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, तवा अपने आप छोड़ देता है। अभी मैं आपको हिला के बताती हूँ, देखिए कितना अच्छे से ये छूट जाएगा, बिल्कुल इसमें अब स्पून लगाने की ज़रूरत नहीं। और मैं यहाँ पर तेज़ आँच पर काम कर रही हूँ, स्लो पर नहीं बना रही हूँ, थोड़ा तेज़ आँच पर मैं कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से छूट गया है ना, बस हो गया, इसे निकाल लेते हैं। ऑलरेडी हमने एक दो बना के रखा हुआ है, बस बनते जा रहा है, लोग खाते जा रहे हैं और हमारे डोसे बन बन के ख़त्म भी होते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ उसी में वीडियो भी बना रही हूँ और इस तरह से आपको दिखाती जा रही हूँ कितना अच्छे से हो रहा है ना, बहुत सॉफ्ट बनता है। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी मुझे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए। और मेरे बताए हुए खाने अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे ये भी लगता है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और हो सके तो अपने बहुत सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे ये डोसा भी देखिए कैसे तवा छोड़ दिया है, हमें चम्मच लगाना ही नहीं पड़ रहा है, आराम से छोड़ देता है पलटने के बाद। और यहाँ पर हमारे डोसे रेडी हैं, चटनी ऑलरेडी रेडी है। तो बहुत आसान सा नाश्ता हमने फौरन तैयार कर दिया, झटपट से आधा घंटे में हमने इतना नाश्ता तैयार किया। कम से कम 6 लोग हमारे घर में हैं जो अभी नाश्ता हमने खाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने बहुत सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए खाने नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।